नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगले वीडियो में हमने राहु का कर्क राशि में भ्रमण और उसका क्या फल मिलेगा वो देखा। ये वीडियो में हम केतु जो है मकर राशि में जो भ्रमण कर रहे हैं तो उनका गोचर फल हमें क्या मिलेगा इसके बारे में जानेंगे। केतु 18 अगस्त 2017 से लेके 7 मार्च 2019 तक मकर राशि में भ्रमण करेंगे, तो अलग अलग राशि वाले जातकों को उसका क्या फल मिलेगा उसके बारे में हम देखें। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। केतु का और एक काम है सडनली आकस्मिक कोई भी चीज को तोड़ना या जोड़ना। कहने का मतलब कुंडली में जिस भाव में केतु है या जिस भाव में से केतु का भ्रमण हो रहा है वो भाव में से देखने वाली जो भी बाबतें है, जो भी चीज है, उसमें केतु सडनली 180 डिग्री परिवर्तन लाता है, यू टर्न दिलवाता है, सडनली कोई काम बंद करवाता है या बंद हुआ काम जो है वो शुरू करवाता है। तो देखिए, केतु जो है वो मल्टी टैलेंटेड ग्रह है, यानी जिनकी कुंडली में केतु अच्छा है या जो केतु प्रधान व्यक्ति है वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक से ज्यादा उनके पास गट्स होती है। और एक बात, केतु जो है वो मस्तक के सिवाय का भाग है, यानी धड़ जिसको कहते हैं, बॉडी का ऐसा पार्ट। तो देखिए, राहु जो है वो मस्तक है यानी बुद्धि है, तो राहु जो है वो शब्द से प्रहार करता है और केतु जो है वो शस्त्र से प्रहार करता है। केतु में ताकत भी है और जड़ता जक्कीपन भी केतु के अंदर आता है। साथ में ही बड़ा राजा जो है वो दूसरे दिन संन्यास ले लेता है, ये जो एक स्पार्क है ये केतु ही दे सकता है। यानी केतु के अंदर या केतु से प्रभावित इंसान जो है वो सोच समझ के या कोई भी लंबे प्लानिंग से अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन केतु सडनली ये करवाता है। अब हम देखें कि केतु जो है वो ऊर्ध्वगामी है, यानी उसका काम है इंसान को ये जो संसार की मोह माया है उससे अलिप्त करके, अलग करके उसको धर्म की ओर, आध्यात्मिकता की ओर ले जाना। तो अब हम देखें कि अलग अलग राशि या लग्न वाले जो जातक है इनकी कुंडली में केतु का जो गोचर फल है 2017-18 में मकर राशि में वो क्या फल देगा। सबसे पहले हम बात करें मेष राशि या लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में केतु महाराज जो है वो 10th हाउस में भ्रमण करेंगे। ये टाइम में तो इनके कार्य में, उनके बिजनेस में सडनली कोई चेंजेस आ सकता है। हो सकता है कोई चालू बिजनेस उनका जो हो अच्छी तरह से चल रहा हो उसमें सडनली अचानक मंदी आ सकती है। और जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बड़े टाइम से वो प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ही लोगों को ये केतु जो है सडनली कोई नया बिजनेस दे सकता है। बंद जो बिजनेस था वो सडनली शुरू भी हो सकता है। अचानक यश, मान, प्रतिष्ठा मिलने के या जाने के योग यहाँ पे बनते हैं, यानी आपकी कुंडली जितनी बलवान है उतना ही यहाँ पे केतु का ये भ्रमण जो है वो पॉजिटिव फल देता है। ओवरऑल कुंडली में 3, 6, 10 और 11 भाव में केतु का जो भ्रमण है वो अच्छा फल देता है। तो यहाँ पे मेष राशि वाले जातक जो है उनको ओवरऑल अच्छा फल मिलेगा, लेकिन उनको हो सकता है कि उनके कार्य में सडनली कोई चेंजेस दिखे। और एक बात, जब केतु कर्म भाव में हो या भ्रमण करता हो ऐसे इंसान को कोई एक ही बिजनेस या एक ही कार्य न करते हुए एक से ज़्यादा यानी मल्टी कार्य, मल्टी बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उनको और ज़्यादा अच्छा फल मिले। क्योंकि केतु जो है वो मल्टी पर्सनालिटी, मल्टी कलर, मल्टी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे मेष राशि वाले जातक जो है उनको ध्यान रखना होगा। अब हम बात करें वृषभ लग्न या राशि वाले जातक, इनकी कुंडली में भाग्य भाव में जो केतु का भ्रमण रहेगा वो सडनली इनको भाग्योदय को लेके कोई अच्छी तक दे सकता है। जो लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा है या जो संतोष नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे केतु का ये भ्रमण जो है उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, अच्छी तक दे सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी सडनली यहाँ पे कुछ ऐसे योग बनेंगे ताकि वो उसके लिए वो ऐसे स्टडी में जा सके,
जो लोग परदेश जाना चाहते हैं उनको परदेश जाने के लिए ये टाइम में सडनली कोई अच्छा चांस मिलेगा। तो देखिए केतु जो है वो भाग्य, मुसाफरी, पिता या पिता के साथ के संबंध और हायर एजुकेशन को लेकर यहाँ पे सडनली चेंजेस करेगा। हो सकता है जो लोग भाग्यों को लेके बहुत ही चिंतित थे या जिनको ऐसा था कि ये काम मेरा हो ही जाएगा, ये तक तो मुझे ही मिलने वाली है, तो यहाँ पे केतु उनको हो सकता है वो तक न भी थे, तो ये भी उनको याद रखना होगा। आगे हम देखें मिथुन लग्न या राशि वाले जातक जो है, तो इनकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु का भ्रमण होगा। तो यहाँ पे अष्टम भाव में से जो बातें देखी जाती है जैसे कि हेल्थ, तो सडनली हो सकता है इनकी हेल्थ को लेकर कोई बड़ा इश्यू आ सकता है, या फिर ऐसे लोग मिथुन लग्न या राशि वाले लोग जो हेल्थ को लेकर परेशान थे अब तक, तो सडनली उनके हेल्थ में रिकवरी आ सकती है, ऐसा हम कह सकते हैं। एंसेस्टर प्रॉपर्टी को लेकर सडनली चेंजेस आएंगे, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपकी मूल कुंडली जो है वो तय करेगी। कहने का मतलब जो लोग कई लंबे समय से एंसेस्टर प्रॉपर्टी, वारसागत मिलकत को लेकर चिंतित थे या कोई झगड़ा चल रहा था, तो ये टाइम में सडनली उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि उसमें से आपको जो मिलना चाहिए पार्ट वो कम मिलेगा, क्योंकि केतु का काम जो है वो तोड़ना भी है थोड़ा कम करना भी है, तो ये आपको याद रखना होगा। आपके ससुराल के साथ के जो संबंध है उसमें सडनली कोई चेंजेस आ सकते हैं, ये भी याद रखें। हो सकता है आपके कोई पुराने इन्वेस्टमेंट जो हो ये टाइम में आपको मिलेंगे, या जिन लोगों ने मेडिक्लेम किया हुआ है या समझिए कि भाई क्लेम किया हुआ है कोई भी इंश्योरेंस, तो ये टाइम में उनको मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। आगे हम बात करें कर्क राशि या लग्न वाले जातक, इनकी कुंडली में सप्तम भाव में केतु का भ्रमण होगा। तो देखिए सप्तम भाव में से देखा जाता है लग्न जीवन, मैरिज लाइफ, लाइफ पार्टनर। तो जो लोग अभी तक बहुत ही परेशान थे, बहुत ही प्रयत्न कर रहे थे लेकिन लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा था या अच्छा मैचिंग नहीं मिल रहा था, तो सडनली ये टाइम में उनको अच्छा मैचिंग मिल सकता है, लाइफ पार्टनर मिल सकता है, ऐसे योग बनेंगे। बड़ी मुसाफरी के योग भी सडनली हो सकते हैं। और एक बात, जिन लोगों की एंगेजमेंट हो गई थी या मैरिड लाइफ चल रही थी अच्छी, सडनली उनके वहाँ पे या उनके जीवन में ये केतु जो है वो नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है। उसका कारण जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ के बीच में सडनली कोई वियोग या सेपरेशन टेम्पररी ये समय में आ सकता है, तो ये उनको ध्यान रखना होगा। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको भी ये टाइम में सडनली चेंजेस मिल सकते हैं, या तो अच्छा पार्टनर मिल सकता है या जो अच्छा पार्टनर था अभी तक वो जा भी सकता है। आगे हम बात करें सिंह लग्न या राशि वाले जातक, तो इनकी कुंडली में छठे भाव में केतु का भ्रमण जो है सडनली जॉब को लेके चेंजेस लाएगा। जो लोग अच्छी जॉब में काम कर रहे थे सडनली उनकी कोई बदली हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, जगह चेंज हो सकती है, और जो लोग कई टाइम से अच्छी जॉब के लिए प्रयत्न करते थे नहीं मिल रही थी, तो ये टाइम में उनको सडनली जॉब अच्छी मिल सकती है। जो लोग समझिए कि भाई एक सोर्स ऑफ इनकम या मंथली जो इनकम थी उनको लेके परेशान थे, तो ये टाइम में सडनली वो इनकम बढ़ सकती है, और ऑलरेडी जिनकी बड़ी हुई है या अच्छी चल रही थी तो यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, इनकम कम हो सकती है, ये ध्यान रखना होगा। सीजनल जो बीमारियाँ है वो आपको परेशान कर सकती है। और एक बात, आपकी जो ब्याज की आवक जो है यानी शेयर डिविडेंड या ऐसा कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें से आपको इनकम हो रही थी, सडनली ये टाइम में वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये आपको याद रखना होगा। यानी यहाँ पे सिंह लग्न या राशि वाले जातक जो है उनको ओवरऑल हेल्थ और जॉब और उनके जो इन्वेस्टमेंट जो थे उनमें ज़्यादा ध्यान रखना होगा, उसमें चेंजेस आएंगे। कन्या राशि या लग्न वाले जातक जो है उनकी कुंडली में फिफ्थ हाउस में केतु का भ्रमण हो रहा है। तो देखिए पंचम भाव में से देखा जाता है सबसे पहले एजुकेशन, तो जो लोग एजुकेशन के लाइन में है यानी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स है, तो सडनली ये टाइम में उनकी जो है पढ़ाई या एजुकेशन का लेवल हाई हो सकता है, अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सडनली उनको ये टाइम में ब्रेक आ सकता है। तो यहाँ पे केतु जो है, आपने देखा होगा कई लोग सडनली ड्रॉप लेते हैं पढ़ाई में, तो ये केतु यहाँ पे इस तरह से वर्क कर सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो सडनली ये केतु जो है ब्रेक ला सकता है। और एक बात, जिनका ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है
और जो समझ ऐसा सोच रहे थे कि अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, तो सडनली ये केतु उनको वापस जुड़वा भी सकता है। तो ये भी एक केतु का ही फल है। तो यहाँ पे उनको अपने प्रेम, रिलेशनशिप, एजुकेशन को लेके ध्यान रखना होगा। और एक बात, जो लोग संतान की चाह रखते थे, प्लानिंग कर रहे थे चिल्ड्रन का, तो ये केतु सडनली उनको संतान सुख दे सकता है। और जो लोगों को ऑलरेडी संतान का सुख है, तो उनको ये केतु कुछ न कुछ संतान को लेके चिंता भी दे सकता है। अब हम बात करें तुला राशि या लग्न वाले जातक, तो इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में केतु का जो भ्रमण है, वो उनको जमीन, मकान और वाहन में सडनली चेंजेस देगा। जो लोग मकान लेना चाहते थे, प्रयत्न कर रहे थे 2 या 3 साल से, तो ये टाइम में सडनली उनको मकान सुख मिल सकता है। कोई वो व्हीकल ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग जिनके पास ये था, मकान था, प्लॉट था, जो भी था, तो ये टाइम पे उनको ऐसा लगेगा चलो ये चेंज करते हैं, कोई और एक नया घर या मकान लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ चेंजेस आएंगे। हो सकता है आपने बड़े लंबे टाइम से प्लानिंग किया हो फॉरेन जाने का, तो ये टाइम पे आपको केतु सडनली फॉरेन के योग क्रिएट करेगा, परदेश ले जाएगा आपको। माता को लेके आपको चिंता ये टाइम में रहेगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आपका जो सुख का लेवल है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का जो लेवल है, ये टाइम पे अप एंड डाउन रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम बात करें वृश्चिक लग्न या राशि वाले जातक, इनकी कुंडली में तृतीय भाव में मकर राशि का केतु का जो भ्रमण है, ओवरऑल पॉजिटिव फल देगा। सडनली ये लोग कोई अच्छा साहस करेंगे और उसकी वजह से उनका बिजनेस अच्छा चलेगा, या फिर अच्छी तक उनको प्राप्त होगी। सडनली उन्होंने जो भी साहस किया है उसमें सफलता भी मिलेगी, यानी ओवरऑल उनका जो आय है, इनकम है, बढ़ेगी, ऐसा कह सकते हैं। छोटी जो मुसाफरी है, ट्रैवलिंग है, उससे उनको फायदा होगा। भाई बहनों के साथ के जो संबंध थे, बिगड़े हुए थे या कम थे, तो उसमें अच्छे चेंजेस आएंगे, उनके साथ अच्छे संबंध बने रहेंगे। हो सकता है जिनको ऑलरेडी ये सब है या भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध है, तो उनको हो सकता है ये केतु का भ्रमण भाई बहनों के साथ थोड़ी अनबन भी करवा सकता है, ये भी याद रखना होगा। पड़ोसी के साथ के जो संबंध है उसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओवरऑल आप जो भी लखान करते हैं, यानी कहने का मतलब जो भी एग्रीमेंट करते हैं आप, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। और जो भी आप बैंकिंग या कम्युनिकेशन के किसी के साथ करते हैं, उसमें भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सडनली आपको फायदा भी करवा सकता है, या आपकी कुंडली जो वीक है तो नुकसान भी करवा सकता है। आगे हम देखें धनु लग्न या राशि वाले जातक जो है, उनकी कुंडली में द्वितीय भाव में केतु का जो भ्रमण है, सडनली उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। या फिर हो सकता है आपकी जो सेविंग्स हो, सडनली कोई ना कोई चीज को लेके खर्च हो जाए, चाहे वो हेल्थ यानी डिजीज को लेके हो, हॉस्पिटलाइजेशन के को लेके हो, या कोई आर्थिक नुकसान आ सकता है ये टाइम में, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फैमिली में सडनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपकी वाणी की वजह से कुटुंब डिस्टर्ब हो सकता है, आपके संबंध जो है बिगड़ सकते हैं, ससुराल के साथ के संबंध भी बिगड़ सकते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओवरऑल धनु लग्न या राशि वाले जातक को द्वितीय भाव में केतु का भ्रमण इतना अच्छा फल नहीं देगा, तो उनको ज्यादा ध्यान रखना होगा फैमिली, सेविंग्स और ओवरऑल हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना होगा। हो सकता है ये टाइम में बड़ा आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़े, और अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करें मकर लग्न या राशि वाले जातक, तो इनकी इनको लग्न भाव में केतु का भ्रमण जो है, इनके जीवन में नींव में से, बेस में से बहुत ही बड़े परिवर्तन लाएगा। जो लोग अभी जो जिस वे पे काम कर रहे थे, मकर लग्न या राशि वाले लोग, जो उनकी सोच थी, जो उनकी समझ थी, जो उनकी चाह थी, महत्वाकांक्षा थी, जो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, ये केतु सडनली उसमें चेंजेस लाएगा। कहने का मतलब ये आपको आपके गोल के प्रति अचानक एकदम स्ट्रांगली, आपको फोर्सफुली गोल के प्रति आपको ले जाएगा, आपको जक्कीपन दे सकता है। आपने जो चाहा है वो आपको मिलना ही चाहिए, ये ऐसे एक सोच देगा। थोड़ी आध्यात्मिकता भी ये टाइम में आएगी। हो सकता है ये केतु के भ्रमण में आप कोई अच्छी, कोई एक लाइन में मास्टरी आप पा सकते हो,
जो आगे जाके आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आपके ख्यालात जो थे लोगों के बारे में, अपने बारे में, वो ये यहाँ पे चेंज होंगे। यानी यहाँ पे आपके अंदर एक रूट से, बेस से परिवर्तन आएगा जो आपको आगे एक अच्छा इंसान बनाएगा, एक मैच्योर पर्सनालिटी देगा। तो मकर लग्न या राशि वाले जातक जो है, उनके लिए केतु का भ्रमण जो है वो कई नए आयाम, कई नए परिवर्तन, कई नई सोच लेके आने वाला है। तो जो भी होगा आपके साथ आगे जाके तो अच्छा ही होगा, तो ये याद रखिएगा। और कोई भी एक फील्ड में आप इन्वॉल्व हो और उसमें मास्टरी लो, ये केतु आपको उस तरह से भी हेल्प करेगा। अब हम बात करें कुंभ लग्न या राशि वाले जातक जो है, उनकी कुंडली में 12वें भाव में केतु का भ्रमण जो है वो खर्च करवाएगा। हो सकता है ये खर्च आपके कोई धार्मिक कार्य के प्रति हो, ट्रस्ट के प्रति हो, कोई अच्छा दान करोगे आप। साथ में ही एक अच्छी आध्यात्मिकता आप प्राप्त करोगे, या धर्म के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा ये टाइम में। साथ में ही हो सकता है ये टाइम में सडनली कोई बंधन, कोई लिटिगेशन भी आ सकता है, क्योंकि केतु जो है 12वें भाव में जो भी करेगा सडनली करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है जिन लोगों के कोई केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, और ये टाइम में केतु जब आता है तो उनको सडनली बंधन करवाता है, जेल करवाता है, हॉस्पिटलाइज करवाता है। तो ये भी चेंजेस आ सकते हैं। आपकी कुंडली कितनी बलवान है, किस तरह के बाकी की ग्रहों की स्थिति है, उसके हिसाब से ये तय होगा। लेकिन ये केतु आपको कहीं ना कहीं ऊर्ध्वगामी बनाएगा, आध्यात्मिकता देगा, त्याग की एक भावना देगा, मोक्ष के प्रति आपको एक अच्छा पॉजिटिव थॉट्स देगा। तो ओवरऑल ये केतु आपको इस तरह से फल देगा। लेकिन फिर भी मैंने बताया उस तरह से आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं, और किसी का मीडिएटर आपको नहीं बनना है, या कोई बैंक या कोई और भी चीज़ के लिए आपको अपने हस्ताक्षर नहीं करने हैं कि इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ, वरना आप फंस सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें मीन लग्न या राशि वाले जातक, इनके कुंडली में 11वें भाव में केतु का भ्रमण अच्छा ही फल देगा। लाभ उनको सडनली अच्छा मिलेगा। मित्र और वडील जो है, पेरेंट्स जो है, उनका सपोर्ट अच्छा रहेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट अच्छा रहेगा। हो सकता है ये टाइम पे आपको कोई बड़ा इनाम मिले, या आपको बड़ा मान सम्मान मिले, कोई अच्छी ट्रॉफी मिल सकती है। आप जो भी कार्य में है उस समय आपकी सराहना हो सकती है। तो ओवरऑल मीन लग्न और राशि वाले जातक के लिए केतु का भ्रमण ओवरऑल अच्छा फल देगा। कोई भी रुका हुआ आपका लाभ जो है बड़े टाइम से, वो सडनली ये टाइम में आ सकता है। तो मीन लग्न या राशि वाले जातक जो है, उनके लिए केतु का ये जो भ्रमण है वो ओवरऑल अच्छा फल देगा। नए अच्छे मित्र बन सकते हैं। हो सकता है कई मित्र के साथ आपका मन मुटाव हुआ हो पास्ट में, तो वो मित्र आपके साथ वापस जुड़ सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये केतु आपको अच्छा ही फल देगा। देखिए, केतु के उपाय के बारे में हम देखें तो जिनकी कुंडली में मैंने बताया, जो राशि लग्न वाले जातक की कुंडली में केतु बहुत ही नकारात्मक प्रभाव दे रहा है या देने वाला है, उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा उपाय जो है वो है गणपति की उपासना। और एक बात, जो ध्वजा आती है छोटी सी, वो आपको मंगलवार को गणपति के मंदिर में देनी है, लाल रंग की ध्वजा, तो वो भी एक केतु का अच्छा उपाय है। हो सके तो केतु यानी अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं, उनको दूध या बिस्किट खिलाते हैं, तो भी ये केतु की नकारात्मक जो प्रभाव है वो आप पे कम रहेगा, या उसमें आपको थोड़ी राहत मिलेगी। केतु जो है वो मिश्र जाति पे प्रभुत्व रखता है, तो जो किन्नर है उनको आप दान दें, उनको खुश रखें, तो भी केतु की नकारात्मक जो असर है यहाँ पे कम होगी। अगर आप आपकी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या वास्तु के रिलेटेड कोई भी सलाह मशवरा चाहते हैं, आप एडवाइस चाहते हैं, कंसल्टिंग चाहते हैं, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टेक्ट नंबर है 09712180808, ईमेल info@astroalchemist.com। तो आप कोई भी आपका प्रश्न हो उसके लिए हमारा संपर्क कर सकते हैं। आशा रखता हूँ ये वीडियो जो है केतु का कर्क राशि में गोचर भ्रमण और उसका फल आपको पसंद आएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। और साथ में ही आशा रखता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि राहु केतु का ये जो भ्रमण है आपके लिए शुभ हो और कम से कम नुकसानदायी हो। धन्यवाद।